सम्मानित किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी जी नहीं, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा लगा, और ये सब सुनकर बहुत खुशी हो रहे हैं लोग, जिनको भी पता लग रहा है, और बहुत फोन आ रहे हैं हमारे पास, तो ये आपको बांट मिला है, बहुत खुशी की बात है। और सर नाजीर की जो हिस्ट्री रही है काफी पुरानी है, 40 साल से एक फूड चेन में है जी, तो आप सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या मानते हैं कि एक फूड चेन में टिके रहने? मैं टिके रहने का था शुरू फर्स्ट टाइम ना, जब हमने रेस्टोरेंट एक खोला था ना, तो बस हम लोग चाहते थे भाई कस्टमर खुश रहे, और किसी भी तरह मतलब कस्टमर वापस जाना नहीं चाहिए, कस्टमर को क्वालिटी पे फोकस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी रेट का हम पहले से देखते थे, और कभी भी ये नहीं सोचा कभी कस्टमर किसी भी किए तो कस्टमर वापस नहीं चाहिए, ये सोच थी मेरी कि भाई मतलब ये था प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट शुरू में काम करा, अब थोड़ा सा प्रॉफिट है वैसे, पर यह है और क्वालिटी पे मेन फोकस है हमारा, ताकि क्वालिटी कस्टमर जब अच्छी क्वालिटी खाएगा तो रिपीट भी होगा कस्टमर। जी जी, तो मेन फोकस हमारा क्वालिटी पे ही है। आप कैसे देखते सर अवार्ड से जो सम्मानित किया, कितना मोटिवेशन मिलता है जब किसी फूड चेन को एक अवार्ड सम्मानित किया जाता है? जी जी, मोटिवेशन मतलब हमारा तो है और बाकी पूरा स्टाफ का ही हमारा मोटिवेशन इतना, क्योंकि हमने जो मेहनत की है एक तरह से उसका हमें रिजल्ट मिल गया। नाजीर फूड्स की बात करें तो 40 साल तक ये फूड चेन में बने रहे, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है जो नाजीर फूड्स में जो बार बार लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं? हमारा जो क्वांटिटी क्वालिटी और रेट जो है ना, और हम लोग सोच ये है कि सच्ची ऐसी लगाएं, जहाँ झूठ नहीं होगा ना, जहाँ सच्चाई होगी तो वहाँ इंशाल्लाह कोई ना कोई भी कभी तरक्की होगी, सबकी होती है, हमारी क्या सबकी होगी इंशाल्लाह। पहले के तुलना में इंडिया में इंटरनेशनल ब्रांड भी है कई सारे, उस कंपटीशन में किस तरह से नजीर टिका हुआ है? नजीर वो लोग कहते हैं भाई तुमने जैसे जितने भी बाहर के रेस्टोरेंट हैं और सेल सर्विस ने उससे मिला दिया है लोग, आपने एक मुगलई खाने को उससे मिला दिया और बहुत खुश होते हैं, कहते हैं भैया ऐसी कोई चैन नहीं है मुगलई में जो सेल सर्विस हो, बैठ के खाते हैं लोग। और हम लोग जो फोकस है हमारा टैगलाइन है क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस, तो इस चीज़ पे हम मेन खेलते हैं, क्योंकि क्वालिटी भी हमारी बहुत अच्छी है, क्वालिटी प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, और क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है हम लोग देते हैं। नजीर अभी सबसे उभरता हुआ नाम है, जो अभी हम लोग पिछले 40 साल से इस काम को कर रहे थे, बहुत स्पीडली कर रहे हैं और टेक्निकली इस काम को बढ़ा रहे हैं आगे, जिससे क्या है कि जो हमारे इंटरनेशनल और ब्रांड आ रहे हैं उनको देखते हुए हम लोग सबसे ज़्यादा आगे मार्केट में आ रहे हैं। 40 साल इंडिया में सक्सेसफुली हुआ, अब क्या अब्रॉड में इसको एक चेन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे? नहीं, 40 साल इंडिया में बहुत होता है जी। नहीं, अभी हम पैन इंडिया में प्लान कर रहे हैं, इस साल हमारे 40 आउटलेट अप्रैल तक क्रॉस कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 100 क्रॉस करेंगे हम लोग। आपके मसाले भी आ रहे हैं? हम लोग मसाले भी अभी लॉन्च कर रहे हैं, नेक्स्ट नवंबर तक हम लोग मसाले पूरी रेंज आ जाएगी हमारी नज़ीर रिटेल के लिए। रिटेल के लिए किस नाम से मसाले होंगे? क्या वो ऑनलाइन अवेलेबल होंगे? ऑनलाइन होंगे, वो हर जगह पोर्टल्स पे ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल होंगे, और हर स्टोर पे भी होंगे, बिग बाज़ार में सब जगह हर जगह पर अवेलेबल। अच्छा, अभी कितने आउटलेट हैं? अभी हमारे 28 आउटलेट हैं राइट नाउ, और सीपी में अभी रिसेंटली हमने ये भी खोला है। जी जी, ऑनलाइन प्रेजेंट हमारा हर जगह पर है, ये फायदा कर रही है कि मतलब नुकसान कर रहा है? अगर मैं फूड की बात करूं, नहीं फायदा ही कर रही है, फायदा कर रहे हैं सभी के यहाँ रीच में पहुंच जा रहा है, कोई कहीं बैठा हुआ है उसके पास टाइम नहीं है, तो उसके टाइम की भी सेविंग हो रही है और उसको अच्छा खाना भी मिल रहा है। किन कंपनी से टाइप है ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी की बात करें? जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा और सभी लोगों से लाया हुआ है, सभी से ऑनलाइन हर जगह पे हमारा अपना भी है, हमारी ऐप भी है, हमारी वेबसाइट भी है, और इंडिकेटर जितने भी मार्केट्स में है, स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, वो सारे इंडिकेटेड हैं, और उसे सेल भी अप होती है, कस्टमर रीचेज बढ़ जाती है, कस्टमर आ नहीं सकता तो आपका ऑनलाइन पोर्टल किसी भी थ्रू आपको ऑर्डर दे ले। आप सभी से जानना चाहूँगा दो दो लाइन में अगर आप बताना चाहेंगे, जो नाजीर फूड्स है वो और फूड चेन से कैसे अलग है, क्या उसकी स्पेशलिटी है कि लोग आए और यहाँ पे खाना खाएं? हम तो ऐसे कर रहे हैं, जो मुगलई कुजीन है, मुगलई कुजीन को आप सर्व कर रहे हैं विद इन 15 मिनट में आपको सर्व हो रहा है, मुगलई में ऐसी चेन है नहीं अभी कहीं जो 15 मिनट में आपको टेबल पर सर्व कर रहे हैं। सबसे मेन क्वालिटी यही है, सबसे बड़ी टेस्ट की बात है, जो और ब्रांड अभी आए हैं उससे हमारा बहुत बेहतर ब्रांड है, उसको हम घर घर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मेन ये उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं ऑनलाइन इसीलिए किया है कि हर घर घर तक ये प्रोडक्ट हमारा पहुंचे और इसको खाएं, इंजॉय करें, हमारा रेट्स भी अच्छा है, क्वालिटी भी हमारी बहुत अच्छी है, मेन फोकस इस चीज़ में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा है, एक चीज़ और भी है कि रॉ मटेरियल के लिए आपका जाना जाता है, रॉ चिकन रॉ मटन, तो उसके लिए आप ऑनलाइन होने जा रहे हैं, उसका क्या है बताइए? रॉ मटन हमारा अभी ऑनलाइन हम लोग सब कर दिया है, अब बाकी कंप्लीट
विदिन 60 मिनट हम डिलीवरी दे देंगे, कहीं दिल्ली एनसीआर कहीं से भी ऑर्डर, हमारा अपना पोर्टल है इसका, वो भी विद इन वन मंथ लॉन्च हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या रेडियस रहेगा? रेडियस दिल्ली एनसीआर है टोटल पूरा। अच्छा, पूरा। दूसरी चीज़ ये है, एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि आसपास काकरी हट्टी है, मीनार है और बहुत सारे हैं, सबके चलते नज़ीर अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, नज़ीर अपने आप हमारा, हम असल में क्वालिटी फोकस बहुत करते हैं। हमारे यहाँ एक बार कस्टमर अगर आ जाता है तो वो कभी, मतलब हमारा मानना है कि वो कभी वापस नहीं जाएगा, दोबारा रिपीट होना ही होना है। तो कस्टमर क्वालिटी बहुत सही है, जो नज़ीर की नज़र है, जो नज़र है इस प्रोडक्ट पे है, जो अपने आप को मतलब सबसे जुदा करती है, सबसे मतलब डिस्टिंग्विश करती है। जी, प्रोडक्ट हमारे काफ़ी वेरिएंट अलग अलग हैं और लोगों से मार्केट से, क्योंकि हमारी बहुत रान है, एक जो बहुत यूनिकनेस है जो कि कहीं नहीं मिलेगी। अब बहुत टेंडर रान होती है हमारी, नहारी है मटन की, वो भी बहुत टेंडर होती है, और मटन नहारी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी दिल्ली एनसीआर में, सिर्फ नज़ीर का ही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे यहाँ आसपास जो भी हैं जी, और जो आपके आउटलेट्स हैं जी, तो यहाँ प्राइस में कुछ ऊपर नीचे दिया है आपने? नहीं, सेम प्राइस है नज़ीर का और दिल्ली एनसीआर में, सेम प्राइस, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, जो सेकने वाली होती है क्या कहते हैं, हमारी जो इक्विपमेंट्स है वो इंटरनेशनल बेस्ड इक्विपमेंट्स है, और हम कोयले का इस्तेमाल नहीं करते अपने रेस्टोरेंट में। आप देखोगे जो इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स की हम बात करें तो जो हमारे तंदूर वगैरह है, सो हाईली मशीनरी है हमारी, सो हम ये जो हमारे नज़ीर में स्पेशली हमारा कोई लगत इस्तेमाल नहीं। आपने क्वालिटी की बात करी, हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो लोग देखते हैं, तो आप हाइजीन को कितना मेंटेनेंस रखते हैं? हम काफ़ी महत्व देते हैं हाइजीन को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बेस किचन है हमारा नज़ीर का, उस बेस किचन से सप्लाई आती है, तो बहुत हाइजीनिक है। और नॉनवेज में हम कहते हैं कि हमारे यहाँ से, हमारे से ज़्यादा हाइजीन कभी किसी का नहीं होगा, हम बेस किचन से सर्व करते हैं। अंत में जानना चाहेंगे कि आगे फ्यूचर इनिशिएटिव क्या होंगे नज़ीर फूड्स के आने वाले सालों में, कि अब्रॉड आप चेंज डालेंगे और इंडिया में आगे आप क्या करेंगे? फ्यूचर में हमारी प्लानिंग है कि इस साल हमारा अप्रैल तक 40 आउटलेट क्रॉस कर देंगे, नेक्स्ट ईयर हम 100 क्रॉस कर देंगे पैन इंडिया के ऊपर। पहले बॉम्बे जा रहे हैं, हम बैंगलोर भी जा रहे हैं, और बाकी पंजाब सब जगह हम लोग। इंडिया से बाहर भी प्लान है आपको? अभी प्लान है, इंडिया से बाहर भी है, लेकिन इंडिया ही बहुत बड़ा स्कोप है यहां पे अभी, उसको आफ्टर 5 इयर्स के बाद देंगे। जितने भी आउटलेट्स हैं या कंपनी ओन्ड हैं या आपकी प्लानिंग आगे है कि अभी सारे कंपनी ओन्ड हैं, अभी सारे आउटलेट कंपनी ओन्ड हैं, आगे क्या प्लान है और इसकी सक्सेस स्टोरी को? शुरू में साहब ऐसा था, बहुत छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोला था मैंने, फरीदाबाद से स्टार्ट करा था, और उसके बाद मैंने ये कभी नहीं सोचा हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, पर ये थी मेरी मेहनत और ईमानदारी रही साथ में, और मैंने कभी नहीं सोचा क्वालिटी में कभी हल्के लगाऊं। क्वालिटी सबसे जो टॉप होती थी ना वो लाता था मैं ढूंढ के, और ख़ुद काम करता था और खुद ही देखता था सारी क्वालिटी एंड सारी जितनी भी आज में ना हमें सब चीज़ का मालूम है, जितनी रॉ की क्वालिटी है ना लोग उसको जानते नहीं है, बस टेलीफोन पर मंगा लिया, हम खुद देखते हैं अपना फिश चिकन मीट जो भी और जितनी भी चीज़ें हैं ना सप्लाई की, हर चीज़ लेके स्पाइस मसाले हैं उसमें भी हम सब नंबर वन का लेते हैं, थोड़ा सा महंगा लेते हैं पर सब नंबर एक का लेते हैं। मसाले भी जो बनाते हैं हम खुद ही बनाते हैं आज में, ताकि जो यूनिकनेस है टेस्ट हो जो वो सब हमारे फुलवाई जब अगर हमने खुद लगाया अपना, ताकि भाई हमें क्वालिटी 100% कर पाए। हाँ।